Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Manika from Adar Senior Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes, we discussed about exercise 2.3 questions 1 to 4, and today we start from fifth part. Okay, students, let's restart. Fifth part is, the product of two numbers is this. If one of number is 317, find the other. तो हमें क्या find करनी है? Other number को find करना है. First हमें दे रखी है जिकी जो टू नंबर्स है उनकी प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई का डेटा हमें दे रखा है और हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है और हमें सेकंड नंबर को फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, वन ऑफ द नंबर इज दिस, देन द अदर नंबर इज. तो सेकंड नंबर को कैसे फाइंड करेंगे देखो, द अदर नंबर इज, लेट अदर नंबर इज एक्स, जो सेकेंड नंबर है उसको एक्स मान लेना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या रिजल्ट फाइंड करते हैं, 504,347. तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है. तो ये नंबर दे रखा है हमें 317, इसको इधर वाली साइड लेके आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है और जब इधर वाली साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में. जब साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड. और जब हम इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे देन वी फाइंड 1591. ओके स्टूडेंट्स, देन द सेकेंड नंबर इज 1591. तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, सेकेंड नंबर. ओके स्टूडेंट, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स जो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है ये. ठीक है, तो सेकेंड जो नंबर उसको मान लेना एक्स, और फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है और उसकी मल्टीप्लाई क्या होगी ये भी हमें दे रखा है और हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसको राइट साइड के लिए की ओर लेके आएंगे तब क्या हो जाएगा, डिवाइड में. और जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, 1591, इट इज़ सेकंड नंबर. ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाई ए टेन नंबर, ये नंबर हमें दे रखा है, इस नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, द कोटाइंट इज 189 एंड द रिमाइंडर इज 37, फाइंड द डिवाइजर. हमें डिवाइजर फाइंड करना है. ठीक है, सी हियर, डिवाइडेंट 5,09,761. ओके, क्वाटाइंट 189 एंड रिमाइंडर 37, देन वी फाइंड डिवाइजर. डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे देखो, तो पहले तो जो डिवाइडेंट दे रखा है उसमें से माइनस करेंगे रिमाइंडर. ठीक है, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये. ठीक है, एंड देन लेट डिवाइजर, डिवाइजर को क्या मान लेना है, एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या देखा है, जैसे जब किसी नंबर को डिवाइडेंड को जब डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तब क्या फाइंड होगा, क्वाटाइंट. तो क्वाटाइंट यहाँ पे कितना है, 189. तो यहाँ पे डिवाइजर हमने एक्स ले रखा है. ठीक है,
तो एक्स जब वैल्यू चेंज करेंगे 189 लेफ्ट साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा और एक्स इधर वाली साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे देन वी फाइंड 6 3 16, तो ये क्या जाएगी एक्स की वैल्यू। ओके, तो अपना डिवाइजर क्या जाएगा 316। तो पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे क्वाटाइन से। क्वाटाइन से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डिवाइजर। ओके, नेक्स्ट पार्ट 7 ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 299 द रिमाइंडर इज 75, फाइंड द क्वाटाइंट यूजिंग द डिवाइजन एल्गोरिथम। सेम क्वेश्चन है, पार्ट 7 सी है डिवाइडेंड, पहले सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, डिवाइडेंड राइट करेंगे और फिर क्वाटाइंट, क्वाटाइंट हमें इसमें क्वाटाइंट फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन तो उससे भी इजी हो गया, ठीक है। और डिवाइजर हमें दे रखा है और रिमाइंडर 75 है, तो पहले क्या करेंगे उस क्वेश्चन की तरह जो डिवाइडेंड है उनमें से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा ये, और फिर इस नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेंड को पहले वाले क्वेश्चन में हमने किससे किया, डिवाइजर से। तो डिवाइजर पहले वाले में हमें दे नहीं रखा था, इसमें हमें दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। तो फिर क्या जाएगा क्वाटाइंट, उसमें क्वाटाइंट दे रखा था, डिवाइजर फाइंड करना था, तो वैल्यू चेंज हो गई, दोनों साइडों को चेंज कर दिया और इसमें चेंज ही नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट अपने पास रिजल्ट आ जाएगा क्वाटाइंट। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 8, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 13601 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली डिवाइड होता हो 87 से, ठीक है। तो ये नंबर दे रखा है हमें 13601, इसमें से हम क्या माइनस करें कि ऐसा नंबर हम अपने पास आ जाए कि वो 87 से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो, ठीक है, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 13601 है उसको डिवाइड करेंगे 87 से, डिवाइड करने के बाद इसके बाद में जो रिमाइंडर आएगा तो वो उस नंबर से जो 13601 है उससे माइनस कर देंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। सी है पार्ट 8, फर्स्ट डिवाइड 13601 बाय 87 एंड फाइंड रिमाइंडर। तो इसको डिवाइड किया, 87 फर्स्ट किस पे जाएगा, 1 पे, 1 पे जाएगा तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आ जाएगा, फिर ऊपर से क्या लेंगे 0, देन 5 पे, 87 5 जा 435 एंड देन रिमेनिंग 55, देन वी टेक 1 फ्रॉम अपर साइड एंड देन 87 6 जा 522 एंड वी फाइंड 29 इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया 29, तो 29 को माइनस कर देना किस नंबर से, जो डिवाइडेंड है उससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13572। तो ये नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा 87 से,
कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करके देख लो जाए, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, 156, और कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9, डू योर सेल्फ वट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू 1056 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाई। सेम क्वेश्चन है, 8 की जगह ऐसे ही करना है, पार्ट 10, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 16। हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड होता हो किसे, 16 से, ठीक है। 10th पार्ट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ये 9999। ओके, नाउ डिवाइड दिस नंबर बाय 16 एंड फाइंड द रिमाइंडर। इसको जब 16 से तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा 15। तो जो अपना डिवाइडेंड है उसमें से माइनस कर देंगे 15, देन वी गेट 9984। ये एक ऐसा नंबर है लार्जेस्ट जो 16 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट 11 पार्ट सेम है 10th की तरह, डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें सेम 5 डिजिट नंबर दे रखा है और उसमें 4 डिजिट, सेम क्वेश्चन, चेक द आंसर बाय डिवाइजर एल्गोरिथम। और इसमें अंदर क्या करना है आपको, चेक करना जैसे हमने पार्ट 7th में किया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 12th, 1 डजन बनानाज कॉस्ट रेट 29, हाउ मैनी डजन कैन बी परचेज फॉर रेट 1392। तो हमें एक दर्जन बनानास का कॉस्ट रेट दे रखा है और हमें फाइंड करना है 1392 रेट्स का। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब 1392 को डिवाइड करेंगे 29 से तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगी, जितने पैसों से जितने डजन ले सकते हैं उतनी आ जाएगी, ठीक है। 1 डजन बनानास कॉस्ट रेट 29, डजन विच कैन बी परचेज्ड फ्रॉम रेट्स 1392 इज, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया 48 डजन। ओके, सेम 13 क्वेश्चन सेम है, ऐसे आपको डिवाइड ही करना है। 1925 ट्रीज हैव बीन इक्वली प्लांटेड इन 157 रोज, फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ईच रो में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1925 ट्रीज है उनको डिवाइड करेंगे 157 से, देन वी फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ओके, नेक्स्ट पार्ट 14, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस, इफ वन आउट ऑफ एवरी 15 इज रिपोर्टेड टू बी लिटरेट, हाउ मैनी लिटरेट पर्सन आर देयर इन द टाउन। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन दे रखी है एक टाउन की, और हमें ये दे रखा है कि जो 15 एक रिपोर्ट जो उस टाउन में एक रिपोर्ट की गई, उसमें से जो 15 में से 1 पर्सन जो लिटरेट है, तो हमें टोटल जो उस पॉपुलेशन में है उस टाउन में टोटल कितने लिटरेट है ये फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन वी राइट इस, सॉरी फर्स्ट वी राइट टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन दिस एंड देन वन आउट ऑफ एवरी 15 इज रिपोर्टेड टू बी लिटरेट, देन टोटल लिटरेट पर्सन इन दिस टाउन इज, तो इस नंबर को जो डेटा दे रखा है टोटल उसको डिवाइड करेंगे 15 से, देन वी फाइंड लिटरेट पर्सन।
ओके नेक्स्ट 15 द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 क्लर्स टू इज टेलीविजन सेट इज दिस डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट इज सेम क्वेश्चन है 14 की तरह तो आपको एक्सरसाइज 2 पॉइंट्स ही कंप्लीट करनी है जो जितने क्वेश्चन रह गए ओके स्टूडेंट्स इट्स योर होमवर्क स्टे होम स्टे सेफ